हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन की तीसरी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस की चर्चा करेंगे, जिसे जॉन मिल्टन नामक एक फेमस पोएट के द्वारा लिखा गया है। यह पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक प्रकार का सॉनेट है, और आप जानते हैं कि कोई भी कविता जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं उसे हम सॉनेट कहते हैं। इस कविता को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम सॉनेट के बारे में चर्चा कर लें कि सॉनेट वास्तव में किस प्रकार की कविता होती है, किस प्रकार का पोएम होता है। सॉनेट के बारे में अभी बताया गया कि सॉनेट इज अ काइंड ऑफ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं। ये 14 पंक्तियां अक्सर 8+6 दो पार्ट में विभक्त होती हैं, बटी होती हैं, जिनमें फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, प्रथम 8 पंक्तियों को हम ऑक्टेव कहते हैं और अंतिम जो 6 पंक्तियां होती हैं उन्हें हम सेस्टेट बोलते हैं। सेस्टेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस में भी कवि ने जो है ऑक्टेव और सेस्टेट ये दो पार्ट मिला करके इस सॉनेट को लिखा है। अब सॉनेट भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक जो सॉनेट होता है उसे हम इटालियन सॉनेट कह सकते हैं, उसे इटालियन सॉनेट या इस प्रकार के सॉनेट का मॉडल पेट्रार्क के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसको पेट्रार्कन सॉनेट भी कहते हैं। तो पहला जो सॉनेट का प्रकार है उसे इटालियन सॉनेट, या इसको एक और नाम से जानते हैं पेट्रार्कन सॉनेट। इसी जो है सॉनेट के मॉडल पर जॉन मिल्टन ने भी सॉनेट लिखना शुरू किया, इसलिए इनका नाम भी इस प्रकार में जोड़ दिया गया जिसको हम मिल्टोनिक सॉनेट बोलते हैं, मिल्टोनिक सॉनेट। इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज मिल्टोनिक सॉनेट एंड इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ राइम स्कीम। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम हैव द राइम स्कीम ABBA ABBA। ये 4-4 पंक्तियों का जो पेयर होता है जिसको हम चौपाई बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्वाट्रेंस बोलते हैं, इनका राइमिंग स्कीम जो है राइम स्कीम ABBA ABBA होता है। इसे अगर समझना है, अगर इस प्रकार के राइम स्कीम का कोई सॉनेट है तो उस सॉनेट को हम इटालियन या पेट्रार्कन या मिल्टोनिक सॉनेट कह सकते हैं। अब
अनहील ब्लाइंडनेस का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, जिसमें 2, 4, 6, 8 आठ पंक्तियां हैं। तो आठ पंक्तियों का मतलब इस जो है सॉनेट का मैंने फर्स्ट पार्ट जो है यहां पर लिखा हुआ है। और आपको अभी बताया गया कि जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 8 लाइंस ऑफ अ सॉनेट इज नोन एज ऑक्टेव, और ऑक्टेव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ पंक्तियां है ही हैं। इस जो है मॉडल को, इस राइम स्कीम को हम इन आठ पंक्तियों से देख सकते हैं। इसके लिए हम प्रत्येक पंक्ति के लास्ट में देखते हैं राइम स्कीम के लिए। इस पंक्ति के लास्ट में ट का साउंड है, तो इसको हम ए मान लें। तो इस पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के लास्ट वर्ड का लास्ट साउंड ड से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इससे ये डिफर है, अलग है, इसीलिए इसको बी मान लिया जाए। परंतु थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका साउंड बी के तरह से ही ड से समाप्त होता है, इसीलिए ड ड अर्थात ए बी बी। परंतु चौथी पंक्ति के लास्ट वर्ड का जो साउंड है वो पहली पंक्ति के लास्ट वर्ड के अंतिम साउंड से मेल खा रहा है, इसीलिए इसको हम ए लिख सकते हैं, अर्थात ए बी बी ए। देखिए ए बी बी ए हो गया। अब अंतिम जो चार पंक्तियां, ये क्वाड्रेंस, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंस है, उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंस होता है। ये बहुत गुड बातें होती हैं सॉनेट्स के बारे में, और इनको इसीलिए बताया जा रहा है कि आप जब कभी भी एक्सप्लेनेशन करें तो इस पर शॉर्ट नोट आप कुछ लिख सकें। अब यहां पर देखते हैं पांचवी पंक्ति का अंतिम जो शब्द है उसका साउंड भी पहली पंक्ति के अंतिम शब्द के अंतिम साउंड से मिल रहा है, इसीलिए इसको भी हम ए के साउंड से टैली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बी के तरह का साउंड है यहां। अब यहां चाइल्ड, डिनाइड, फिर से बी के तरह का साउंड है यहां, और यहां ए का साउंड है, ए बी बी ए ए बी बी ए। तो ये होता है जॉन मिल्टन के द्वारा जो है लिखे गए सॉनेट्स के ऑक्टेव पार्ट का जो राइमिंग स्कीम होता है वो यही होता है, अर्थात ये जो पार्ट आपके सामने है वो ऑक्टेव है, ऑक्टेव आठ पंक्तियों का। चलिए सॉनेट पर तो चर्चा हम लोग कर लिए, अब हम इस पोएम पर आते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए 24 सॉनेट्स, 24 सॉनेट्स में से 16th सॉनेट है, 16वां सॉनेट है, 16th सॉनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट जॉन मिल्टन ने अपने ही अंधेपन का वर्णन किया है, इसीलिए अब हम यह भी कह सकते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज नॉट ओनली अ सॉनेट बट इट इज पर्सनल सॉनेट, पर्सनल सॉनेट। अब आप जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस को मुख्य रूप से जॉन मिल्टन के पर्सनल सॉनेट के रूप में देखेंगे। हमेशा आपको यही लिखना होगा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन
मिल्टन. दिस सॉनेट इज पर्सनल बिकॉज इन द लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन लाइफ विच अराइज्ड ड्यू टू हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस. अर्थात समय से पहले ही कवि के अंधे हो जाने पर जो है कवि के सामने जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हीं समस्याओं का यह जो है डिस्क्रिप्शन है, यह पोएम है. आपको ये भी बता दो कि जॉन मिल्टन जो पोएट हैं, वो जिनका लाइफ साइकिल अर्थात लाइफ पीरियड 1608 टू 1674 1608 ईस्वी से 1674 ईस्वी के बीच ही इनका लाइफ साइकिल रहा. और इसमें भी जो ये पोएम पब्लिश हुआ वो 1673 ईस्वी में पब्लिश हुआ था. तो 1673 ईस्वी में जब पब्लिश हुआ तो आप देख सकते हैं कि उनके जो है मरने के जो है एक साल पहले जो है यह कविता लिखी गई थी और उसी समय इसको प्रकाशित भी किया गया था. अब हुआ क्या, जॉन मिल्टन का नाम केवल इसलिए नहीं लिया जाता कि वो जो है एक ग्रेट सॉनेट राइटर है. नहीं, ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट सॉनेट राइटर, ही वॉज नोन एज अ पोएट ऑफ ग्रैंड स्टाइल. जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जॉन मिल्टन वॉज अ पोएट ऑफ ग्रैंड स्टाइल. इन्होंने एक महाकाव्य, इनका एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक ऑफ जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन अक्सर ऐसा देखा गया है, पढ़ा गया है, पढ़ने पर पता चलता है कि जॉन मिल्टन जब पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे और जब वो फिनिश के कगार पर थे, जिसमें उन्होंने 12 जो है बुक्स लिखा है, 12 बुक्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर, 12 बुक्स जो है 12 पार्ट हैं इसमें. और पैराडाइज लॉस्ट जो कि एक कई हजार पंक्तियों की कविता है, इसमें उस समय जब कवि लिखते लिखते जो है आगे गया और जब फिनिश के जो है समय पर, जब फिनिश होने वाली थी यह महाकाव्य, उसी समय कवि को अपनी आंखों से दिखाई देना कम हो गया. पोएट को जो है महसूस होने लगा कि अब उसकी आंखें उसको धोखा दे रही हैं. इसलिए पोएट को चिंता होने लगी. वह सोचने लगा कि मेरे इतने वर्षों का जो है प्रयास विफल हो जाएगा यदि पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट नहीं होगा. वहां पर पोएट ईश्वर से, गॉड से कंप्लेन करता है. अब यहां देखिए, कंप्लेन करता है, वह उससे शिकायत करता है. और प्रस्तुत कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कंप्लेन ऑफ पोएट जॉन मिल्टन टू गॉड. कवि जॉन मिल्टन का ईश्वर से एक कंप्लेन है. वह कहता है कि ईश्वर उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने जो उसे प्रतिभा अर्थात अपनी सेवा के लिए जो प्रतिभा, जो टैलेंट, इसका जिक्र इसमें किया है पोएट ने, जो टैलेंट उसे दिया है, उस टैलेंट का वह आगे यूज नहीं कर सकता कि
क्योंकि जो है अब वह क्या हो गया है, ब्लाइंड हो गया है। कवि इस पोएम में यह भी लिखता है कि अभी मैं अपने जीवन का आधा समय भी व्यतीत नहीं कर पाया, यहां लिखा है यर हाफ माई डेज, मेरी आधी आयु समाप्त करने के पहले। अब इसके साथ भी जो है एक समस्या जुड़ी हुई है, कहानी जुड़ी है कि यह कवि जो है पोएट 40 जब वह 44 साल का हुआ तो 44 वर्ष में ही जो है उसी समय से कवि को उसकी आंखों से दिखाई देना जो है बंद हो गया, वह देख नहीं पा रहा था। तो अब 44 इयर्स का मतलब कवि जो है यह मानता है कि एक जो है व्यक्ति का सामान्य एज, जनरल एज जो है 100 इयर्स अगर मान लिया जाए तो 100 इयर्स का हाफ होगा 50 इयर्स, और 50 इयर्स के पहले ही वह 44 इयर्स में क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। इसीलिए 44 जो है इज द पीरियड ऑफ बिफोर 50, 50 के पहले का पीरियड है, इसलिए यहां लिखा गया है ईयर हाफ माई डेज, मैं अपनी जो है आधी आयु भी अभी समाप्त नहीं कर पाया था तभी मेरे आंखों की ज्योति जो है चली गई। अब इस पोएम पर हमने बहुत अधिक चर्चा कर लिया, उस पर जो है हमने बताया आपको कि यह एक सॉनेट है जो जॉन मिल्टन के 24 सॉनेट्स में से 16th सॉनेट है, 16वां सॉनेट है, और इस सॉनेट में कवि ने जो है अपने अंधेपन का वर्णन किया है। यह एक मिल्टोनिक सॉनेट है, मिल्टोनिक सॉनेट जैसे अभी आपको बताया गया कि सॉनेट का जो पहला प्रकार होता है, दूसरा और तीसरा भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये तीन प्रकार सॉनेट के कौन कौन से होते हैं। पहला तो आपको बताया गया कि यह एक इटालियन पेट्रार्कन या मिल्टोनिक सॉनेट, ये मिल्टोनिक सॉनेट है क्योंकि जॉन मिल्टन के सॉनेट का जो राइम स्कीम होता है वो अन्य सॉनेट से अलग होता है। अब दूसरा भी प्रकार समझ लीजिए, दूसरा प्रकार है शेक्सपियरियन सॉनेट। विलियम शेक्सपियर ने भी अपने पूरे जो है लिटरेरी कैरियर में 154 सॉनेट लिखा था, 154 सॉनेट, 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखा था, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको मर्सी जो पढ़ाया गया है दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सॉनेट, वह भी एक प्रकार का सॉनेट है, बट यू नो दैट मर्सी हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मर्सी इज अ सॉनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर दैट हैज बीन रिटन इन शेक्सपियरियन राइमिंग स्टाइल, वो शेक्सपियरियन राइमिंग स्टाइल में लिखा गया शेक्सपियर का सॉनेट है। तो दूसरा सॉनेट का प्रकार हो गया शेक्सपियरियन सॉनेट। अब तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं, इस द स्पेंसेरियन सॉनेट, ये ग्रेट पोएट स्पेंसर जो है ने भी जो है सॉनेट लिखा है। तो उनके सॉनेट का जो राइमिंग स्टाइल होता है शेक्सपियर और मिल्टोनिक सॉनेट से जो है कुछ अलग होता है, इसीलिए उनमें जो है उसका अलग ही नाम रख दिया जाता है। उस प्रकार के सॉनेट जो होते हैं जो स्पेंसर के सॉनेट के मॉडल के होते हैं उनको हम स्पेंसेरियन सॉनेट बोलते हैं। तो वही उसकी चर्चा ऊंची कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो है जो सॉनेट हमारे सामने है उसी के बारे में हमको जान लेना चाहिए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो क्या है, एक प्रकार का मिल्टोनिक सॉनेट है। और ये स्वाभाविक है कि जॉन मिल्टन के द्वारा अपना जो है उसी कवि के द्वारा लिखा गया यह सॉनेट है, इसीलिए तो स्वाभाविक है कि इसको हम मिल्टोनिक सॉनेट कहेंगे, दैट हैज बीन कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिल्टोनिक सॉनेट, दैट इज व्हाई ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज नॉट ओनली अ सॉनेट बट इट इज अ पर्सनल सॉनेट बिकॉज इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन लाइफ। अब हम चर्चा करेंगे इस पोएम के फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव की, क्योंकि आपके सामने अभी केवल इस पोएम का जो है वो क्या लिखा गया है,
फर्स्ट पार्ट लिखा गया है ऑक्टेव पार्ट। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेस्टेट पार्ट की बारे में भी बताऊंगा, पहले ऑक्टेव पार्ट आप देखें। पोएम के लाइंस हैं, पहले देख ले। When I consider how my light is spent, your half my days in this dark world and white, and that one talent which stays to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker, maker, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, maker का M जो है यहाँ कैपिटल लिखा गया है, मेकर, मेकर का मतलब निर्माता। इन अदर हैंड वी कैन सी दैट दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर गॉड, यहाँ पर यह शब्द ईश्वर के लिए आया हुआ है, क्रिएटर। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर डी लेबर लाइट नाइट, आई फाइंडली आस्क but patience to prevent, आगे है that murmur soon replies, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work, आगे किस स्टेट पार्ट में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इस सॉनेट के जो अंतिम जो दो पंक्तियां हैं जो है they also serve him who only stand and wait, वो बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, उनका बहुत ही विस्तृत अर्थ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब हम इस पोएम का अर्थ समझें, इसका जो है व्याख्या किया जाए, वो कैसे इसका अर्थ निकाला जाएगा। पहली पंक्ति है व्हेन आई कंसीडर, अर्थात पोएट कहता है कि जब आई मैं अर्थात जॉन मिल्टन कंसीडर मींस टू थिंक हाउ माय लाइट, लाइट मींस रोशनी होता है, लेकिन यहां पर ब्लाइंडनेस अर्थात आंखों की रोशनी होगा, केवल यहां आई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी हम यहां आई शब्द से इसको यह है आई साइट होगा ना लाइट का, तो आंखों की रोशनी इज स्पेंट, स्पेंट मींस चला जाना, स्पेंट का मतलब तो खर्च हो जाना, अर्थात यहां पर आंखों की रोशनी का चला जाना। तो कभी कहता है कि जब कभी भी मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, और वो भी कब, हाफ माई डेज एयर बिफोर, हाफ माई डेज मेरी आधी आयु समाप्त करने के पहले ही मेरी जो है आंखों की ज्योति कैसे चली गई। फिर से एक बार समझे, कभी कहता है कि जब कभी भी मैं सोचता हूं कि मेरी अभी आधी उम्र आधी आयु भी नहीं पूरी हुई थी तभी मेरी आंखों की ज्योति चली गई, ये कैसे हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकारपूर्ण तथा वाइट स्प्रेड विस्तृत संसार में, तो अभी इसका क्लियर अर्थ जो है आपको खंडित करके इसका मीनिंग बताया जा रहा है। अब आपको इन दो पंक्तियों का क्लियर अर्थ आपको मिल गया, मिल जाएगा, और उसको आप व्यवस्थित तरीके से किस तरह से उसका अर्थ निकालेंगे उसको भी जान जाइए। कभी जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब कभी भी मैं सोचता हूं कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत संसार में मेरी आधी आयु समाप्त करने के पहले ही हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की ज्योति किस प्रकार चली गई। ठीक है, अभी हम लोग इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं,
इसलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका अर्थ जो है अपलोड करके भेज दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।